हेलो एवरीवन, सो इस वीडियो के अंदर आप कवर करेंगे अपनी ईएसआर या ईपीआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, ईएसआर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, ईपीआर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, दोनों का सेम ही मीनिंग होंगेगा। ठीक है, दो स्पेक्ट्रोस्कोपी की होंगे ने सेम होंगे ने, तो ईएसआर भी लिखा जा सकता है, ईपीआर भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ईएसआर की फुल फॉर्म होगी इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो ईपीआर की फुल फॉर्म होंगी इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। हुण सब तो फर्स्ट लैक्चर अंदर आपने कवर किया सीगा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिस अंदर आपने सारी टाइप के स्पेक्ट्रोस्कोपीज दे सिलेक्शन रूल देखी सी। उस तो नेक्स्ट लैक्चर आपने फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी ने कंप्लीट किया सी। हुण ए जिहड़ी आपने कोल ईएसआर ते ईपीआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हुंदी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दा पार्ट हुंदी है। उस तो अलावा दो होर स्पेक्ट्रोस्कोपीज हुंदे ने एनक्यूआर ते मोस बार। ठीक है, छोटे छोटे स्पेक्ट्रोस्कोपीज ने एक लैक्चर अंदर कवर कर देंगे, तो इस पर्टिकुलर लैक्चर के अंदर आप कवर करेंगे ईएसआर या ईपीआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। हूँ नाम तो ही क्लियर हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्पिन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्पिन कदों करेगा, मैं दो कंडीशन बना रहेगा। सपोज एक ऑर्बिटल है, ठीक है, इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ने ते एक अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जो भी पेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे इस केस टोटल स्पिन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जी आप उपर वाले साइन नू प्लस हाफ मानते हैं तो डाउन स्पिन माइनस हाफ मानते हैं, तो टोटल स्पिन कि आ जाएगा जीरो। तो इस केस किसी तरह भी कोई इलेक्ट्रॉन स्पिन नहीं हो पाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मतलब ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी शो कर लिए मॉलिक्यूल को की होना चाहिए अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो पहली गल सिलेक्शन रूल की हो गया, इस स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिलेक्शन रूल की हो गया, अनपेड इलेक्ट्रॉन मस्ट बी प्रेजेंट, अनपेड इलेक्ट्रॉन मस्ट बी प्रेजेंट। ठीक है, हम स्पीशीज को होना चाहिए अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। हम आप इस बेसिक क्वेश्चन करते हैं, जो सिंपल जहा क्वेश्चन थोड़े पेपर अंदर आया सीगा। ठीक है, ए वाला क्वेश्चन। ठीक है, इस केस जिंक की जिंक प्लस टू की कॉन्फिगरेशन होती है D10, मतलब इस केस कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होना। कॉपर प्लस टू की होंगी है D9, तो इस केस अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। जो आप ड्रॉ करिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गया तो ए वाला स्पीशीज कॉपर प्लस टू ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी शो कर सकता है। मैगनेशियम प्लस टू की बन जाएगा D10 बन जाएगा, इस केस भी कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट होना। मरकरी प्लस टू, ठीक है, इस केस भी, ठीक है, जी कॉन्फिगरेशन है पूरी D10 होएगी, तो इस केस भी कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होना। ठीक है, सॉरी, मैगनीशियम प्लस टू केस की आएगी 1s2, 2s2, 2p6, मतलब जो वैलेंस शैल ने वो भी होंगे फुली फिल्ड होंगे। तो सब की सिस्ट की है पेड इलेक्ट्रॉन ने ए सी डी च, तो ए वाले स्पेक्ट्रोस्कोपी शो नहीं करेंगे। तो कॉपर प्लस टू के अंदर की है अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इस करके कॉपर प्लस टू ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से सिग्नल शो करूंगा। हूँ जो नैक्सट कॉन्सैप्ट बनता अपने को, हूँ उस तो बाद आप कैलकुलेट करना सीखते हैं टोटल स्पिन। ठीक है, टोटल स्पिन किस तरह कैलकुलेट करेंगे, जिस तरह मेरे को D4 सिस्टम है, सपोज मेरे को D4 सिस्टम है, तो इस तरह मैं शो करांगा D4 सिस्टम नूं। हुण इस केस टोटल स्पिन कितना हो जाएगा, टोटल स्पिन कितना हो जाएगा, जे आपां उपर वाल नूं प्लस हाफ मानते हैं तो 4 × + ½ कितना आ जाएगा, मतलब टोटल स्पिन कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जे इस केस डिस्कस करिए D9 दे केस च, तो टोटल स्पिन कितना आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, जेडे चार अपने को ऑर्बिटल्स ने उन्होंने केस स्पिन कैंसल हो जानी है, बचा एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो उस केस जी स्पिन बन जानी, टोटल स्पिन कितनी बन जानी है, प्लस हाफ बन जानी। ठीक है, हम स्पिन स्टडी करने तो बाद आप नैक्सट कॉन्सैप्ट डिस्कस करेंगे कि किस किस तरह के मोलीक्यूल्स ने जोड़े अपने को ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करे। ठीक है, मोलीक्यूल्स विच शो ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। हूँ देखो इस केस च, ठीक, कई तरह के मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं, लाइक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज लाइक NO2। ठीक है, इन्होंने को होंगे ऑड इलेक्ट्रॉन होंगे ने, तो इस करके ये करेंगे अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होएगा तो ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करेंगे। ठीक है, कि O2 शो कर सकता है ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। हूँ जो तुम O2 का MOT डायग्राम मोलीकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाओगे, सोनू पता चलेगा कि O2 के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे ने, इस करके O2 भी कर सकता है ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी शो कर सकता है।
बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ठीक है जितना अपन स्टडी करेंगे दैट इज फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स ठीक है, फ्री रेडिकल्स का की मतलब होंगे जो तो कार्बन की होगी कनपेड इलेक्ट्रॉन, इसमें आप बोलते हैं कार्बन फ्री रेडिकल लाइक दिस ठीक है। एक होंगे फ्री रेडिकल्स होंगे ने इंटरमीडिएट्स होंगे ने, एक ही करते हैं ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करते हैं। उस तो अलावा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स लाइक ठीक है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो आयन होंगे ने मेटल आयन होंगे ने बेसिकली लाइक कॉपर प्लस टू ठीक है। इस केस की है डी नाइन सिस्टम है, अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो यह भी की करेगा ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करेगा। मतलब जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की करते एक मेन रोल प्ले करते हैं। जो अपने पढ़िया कोऑर्डिनेशन का पार्ट उस आप देखिए जेड आउट होंगे जेड इन होंगे, बट कि डोमीनेट करता है जेड आउट डोमीनेट करता है जेड इन डोमीनेट करता है, उसका आइडिया अपन प्रैक्टिकली किसने दिता सी ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी ने दिता सी। मतलब जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ने उन्होंने ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होंगी वेरी यूजफुल होंगी है क्योंकि उन्होंने एग्जैक्ट डाटा इंटरप्रेट कर पाँगी है ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। हूँ अपन डिस्कस कर लिया सिलैक्शन रूल, उस तो बाद जो अपने कॉन्सैप्ट डिस्कस करना है नंबर ऑफ डी जनरेट एनर्जी लैवल्स, नंबर ऑफ डी जनरेट एनर्जी लैवल्स ठीक है। इसका फॉर्मूला होंगे 2s+1 ठीक है, 2s+1 सपोज किसी इलेक्ट्रॉन को टोटल स्पिन है जी हाफ हैगी, टोटल स्पिन कितनी हैगी हाफ है, तो डी जनरेट लैवल कितने होंगे, डी जनरेट लैवल तो आप पुट करिए 2 × ½+1 दैट इज 2 ठीक है। हम 2 डी जनरेट ऑर्बिटल्स का की मतलब है सॉरी 2 डी जनरेट स्टेट्स का की मतलब है कि दोहे एनर्जी जो अपने को स्टेट्स ने वो इक्वल एनर्जी से होंगे ठीक है, ऊपर नीचे नहीं मतलब इन्होंने इक्वल मान के चलो ठीक है। एक ही ने दो एनर्जी स्टेट्स ने इक्वल, हूँ दो होंगे कड़िया अपने को एक होगी प्लस हाफ एक होगी माइनस हाफ ठीक है, क्लीयर है सबनों। हूँ जो टोटल स्पिन अपने को होंगी 1 तो उस केस डी जनरेट एनर्जी लैवल्स किन्ने बनते, डी जनरेट एनर्जी लैवल्स किन्ने बनते 2s+1 2 × ½+1 ठीक है डेट इज 3। हमें 3 एनर्जी लैवल केड़े-केड़े होंगे, एक होंगे -1 एक होंगे 0 एक होंगे +1 क्लीयर है सबनों। हूँ डी जनरेट एनर्जी लैवल का मतलब होंगे दे आर ऑफ सेम एनर्जी ठीक है, डी जनरेट का मतलब वो कि ने सेम एनर्जी देने, बट हूँ देखो चलो आप सेम एनर्जी दे दो ऑर्बिटल ड्रॉ कर ले, एक सपोज माइनस हाफ है तो दूसरा प्लस हाफ है। हूँ सपोज इसकी इंट्रैक्शन आप करवाने मैगनेटिक फील्ड नाल, हूँ जो ई एस आर स्पैक्ट्रोस्कोपी के अंदर आप जो स्टेट्स ने उसकी इंट्रैक्शन किस ना करवाने मैगनेटिक फील्ड, हूँ मैगनेटिक फील्ड की प्रेजेंस की होंगी स्प्लिटिंग हो जाती है। स्प्लिटिंग किस तरह होंगी है, दो एनर्जी लैवल के अंदर स्प्लिटिंग होंगी है, जो आप मैगनेटिक फील्ड अपलाई कर देंगे एक होंगे हायर एनर्जी लैवल, एक होंगे हायर एनर्जी लैवल एक होंगे लोअर एनर्जी लैवल क्लीयर है। हूँ आप हायर एनर्जी लैवल प्लस वाल शो कर देने प्लस हाफ वाल, लोअर एनर्जी लैवल माइनस हाफ वाल शो कर देने। जिस तरह आप सी एफ टी क्रिस्टल फील्ड थ्यूरी के अंदर की करते डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग करते, उसी तरह अपने दो डी जनरेट ऑर्बिटल की कराती स्प्लिटिंग कराती ठीक है, एक होगी माइनस हाफ स्टेट एक होगी प्लस हाफ स्टेट ठीक है। जी हायर एनर्जी से है उसको आप प्लस हाफ वाली बोल देने, जी लोअर एनर्जी से है उसको आप बोलते हैं माइनस हाफ स्टेट। हूँ इन की एनर्जी कितनी होती है, किसी स्टेट की एनर्जी कितनी होती है, उसका फॉर्मूला आप डिस्कस करना है। हूँ देखो एनर्जी का फॉर्मूला होता किसी स्टेट की एम एस जी ई बी नॉट म्यू बी ठीक है, की मतलब होंगे सारे टर्म्स मैं समझा थोड़ा ठीक है, ज़्यादा रटना नहीं पैना थोड़ा। देखो एम एस का की होंगे स्पिन होंगी जी आप माइनस हाफ प्लस हाफ है, जी ई की होंगे लांडे फैक्टर होंगे लांडे फैक्टर ठीक है, बी नॉट थोड़ा पता ही है मैगनेटिक फील्ड होंगी है, तो म्यू बी की होंगे बोहर मैगनीटोन होंगे। हूँ देखो जो अपन लोअर एनर्जी लैवल की एनर्जी कढ़ीए तो आप एम एस नू की पुट करेंगे हाफ माइनस हाफ पुट करेंगे तो इसकी एनर्जी बन जाएगी माइनस हाफ जी ई बी नॉट म्यू बी ठीक है, तो उपर वाली स्टेट की एनर्जी कितनी बन जाएगी प्लस हाफ जी ई बी नॉट म्यू बी क्लीयर है सबनों ठीक है। जी जी ई बी नॉट म्यू बी की सारे वैल्यू तुम्हें क्वेश्चन के अंदर गिवन हो गया, कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं, बट इन्हें टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए। हूँ देखो जो अपने एनर्जी गैप कटना है डेल्टा ई की हो जाएगा
हायर एनर्जी लेवल माइनस लोअर एनर्जी लेवल, तो डेल्टा ई कितना बन जाएगा, और नोट करो प्लस जी ई बी नॉट म्यू बी माइनस माइनस हाफ जी ई बी नॉट म्यू बी, मतलब इनडायरेक्टली दो है कि हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे हाफ हाफ, तब फुल बन जाएगा, तब फॉर्मूला बन जाएगा जी ई बी नॉट म्यू बी। क्लियर है, ये फॉर्मूला सब तो इंपॉर्टेंट है, तीन बार क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीवियस ईयर के अंदर, तीन तो चार बार। डेल्टा ई का की फॉर्मूला बन गया जी ई बी नॉट म्यू बी, कि सारे फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। हुण इसते बेस ते किस तरह क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तीन क्वेश्चन आए हुए हैं, एक मैं करवाऊंगा, दो तुसीं खुद करने होंगे क्वेश्चन। चलिए आप डिस्कस कर दे क्वेश्चन, चलिए ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लेने। देखो मैं तुम कह ना जी ई म्यू बी सारिया वैल्यूज क्वेश्चन के अंदर गिवन होंगे। हुण देखो अपने को डेल्टा ई का फॉर्मूला आप याद रखोगे, डेल्टा ई जी ई म्यू बी इंटू बी नॉट। क्लीयर है सबन। हूँ डेल्टा ई मतलब एनर्जी गैप नूं एच न्यू भी लिख सकते हैं, एच न्यू इज इक्वल टू जी ई म्यू बी बी नॉट। तो क्वेश्चन अंदर पूछो ई इन ई एस आर स्पैक्ट्रोस्कोपी द ई एस आर फ्रीकुएंसी, फ्रीकुएंसी मतलब न्यू की वैल्यू देती 9.5 गीगाहर्ट्ज़, ठीक है, वट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब बी नॉट पूछेगा, इस केस की पूछ रहेगा बी नॉट पूछ रहेगा एट द स्पैक्ट्रोस्कोपी, जिसकी जी ई वैल्यू कितनी हैगी, बोहर लांडे फैक्टर की वैल्यू 2 है, तो बोहर मैगनीटोन की वैल्यू कितनी हैगी, क्वेश्चन के अंदर गिवन है। हुण देखो अपने तो बी नॉट पूछा है, तो बी नॉट का की फॉर्मूला आ जाएगा एच न्यू ओवर जी ई म्यू बी। क्लीयर है सबन। हम एच की वैल्यू कितनी होंगी, 6.64 इंटू 10^-34, ठीक है, न्यू की वैल्यू दी है फ्रीकुएंसी 9.5 गीगा हर्ट्स, गीगा का मतलब होंगे 10^9 हर्ट्स के अंदर आ जाएगी हर्ट्स, या इसमें सैकंड इनवर्स भी लिख सकते हैं। जी ई की वैल्यू 2 हैगी, ठीक है, न्यू म्यू बी की वैल्यू है 2.9273 इंटू 10^-24 जाउल पर टेस्ला, ठीक है ना। हुण इसे सॉल्व कर लिए तो आंसर आ जाएगा 339 मेगा टेस्ला, मतलब 339 इंटू 10^-3 टेस्ला, ठीक है, इसे तुम सॉल्व खुद कर सकते हो, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। हुण इस टाइप का एक होर क्वेश्चन आया, वो भी करवाना, ये दो बार रिपीट कर चुका है वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन दो बार रिपीट कर चुका है। हुण इस केस की पूछेगा वट विल बी द ई एस आर फ्रीकुएंसी, इस केस न्यू पूछ लिया, ठीक है, ऑफ एन अनपेड इलेक्ट्रॉन, इस केस मैगनेटिक फील्ड देती सू जी ई देता म्यू बी देता, ठीक है। हुण देखो फॉर्मूला की सी एच न्यू इज इक्वल टू जी ई म्यू बी इंटू बी नॉट। हुण अपने तो पूछे न्यू जी ई म्यू बी बी नॉट बाय एच, ठीक है, पुट करो 2 इंटू 9.273 इंटू 10^-24 इंटू बी नॉट 0.33 ओवर एच, ठीक है, एच कितना आ जाएगा 6.64 इंटू 10^-34, ठीक है, ये जो सॉल्व करेंगे तो आंसर हर्ट्स से आ जाएगा, ठीक है, उसमें किस कन्वर्ट कर लियो गीगा हर्ट्स से कन्वर्ट कर लियो तो आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसमें सॉल्व कर लियो तो एक्यूरेट आंसर आएगा, मे बी शायद इसका आंसर बी सी का एक बार चेक कर लियो तुम सॉल्व करके। आई होप तुम्हें एनर्जी वाले क्वेश्चन का हम कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। हुण आपां नेक्स्ट जिहड़ा कॉन्सैप्ट डिस्कस कर देंगे, हुण देखो जी ई बी नॉट म्यू बी, कई बार जी ई ते बी नॉट नूं कंबा, देखो हुण फॉर्मूला सीगा अपने कोल डेल्टा ई इज इक्वल टू जी ई म्यू बी बी नॉट, कई बार वो जी ई ते म्यू बी दे प्रोडक्ट नूं डायरैक्ट गामा लिख दिंदा, की लिख दिंदा, गामा इंटू बी नॉट, ठीक है, और गामा की होंगे गायरो मैगनेटिक रेशियो होंगे, गायरो मैगनेटिक रेशियो, ठीक है, बस फॉर्मूला तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट तो यही फॉर्मूला ने, ठीक है, जो हो सके यही क्वेश्चन भी याद कर देंगे, कई बार एज इट इज रिपीट कर देते हैं, बाकी कॉन्सैप्ट पूरा आ गया होना। हुण देखो आपने जो एक्सटर्नल मैगनेटिक फील्ड से किसी इलेक्ट्रॉन को ट्रीट किया, सपोज अपने को दो एनर्जी लैवल से, एक सी माइनस हाफ एक सी प्लस हाफ। हुण आपने जो एक्सटर्नल मैगनेटिक फील्ड लगाई, दो एनर्जी लैवल स्प्लिट हो गया, एक हो गया प्लस हाफ एक हो गया माइनस हाफ। हुण जो अपने कोई इलेक्ट्रॉन जंप करेगा नीचे तो उपर, ठीक है ना, मैगनेटिक फील्ड की प्रेंस स्प्लिटिंग हुई, जो नीचे तो उपर ट्रांजिशन हुई, मतलब लोअर एनर्जी लैवल तो हायर एनर्जी लैवल की हुई ट्रांजिशन हुई, तो अपने को की आऊगा सिग्नल आऊगा। तो इस केस जो सिलेक्शन रूल होंगे, सिलेक्शन रूल याद रखने का, दैट इज डेल्टा एम जे इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, मतलब एक एनर्जी लैवल के गैप से ट्रांजिशन हो सकती है, जिस तरह आप दो एनर्जी लैवल गैप देखिए कि आ जाएगा अपने को प्लस हाफ माइनस माइनस हाफ, ठीक है, दैट इज वन, ठीक है, तो ये वाली ट्रांजिशन की हैगी फिजिबल हैगी है,
मतलब दो एनर्जी लेवल दे विच गैप कितना होना चाहिए हैगा 1 दा, चाहे माइनस होवे चाहे प्लस च होवे तां ओह की हुंदी ट्रांजिशन अलाउड हुंदी है। हुण आपां नेक्स्ट सिखदे हां कि सिग्नल्स नूं किस तरह कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। सिग्नल्स कैलकुलेट करन दी आपां ट्रिक ही सिखांगे, ठीक है। उस ट्रिक तों ही थोड़े सारे क्वेश्चन हो जाने ने। हुण आपां डिस्कस करदे हां नंबर ऑफ सिग्नल्स इन ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, नंबर ऑफ सिग्नल इन ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। इससे बहुत क्वेश्चन आते रहेंगे तुहाडे पेपर अंदर, बट क्वेश्चन जनरली बहुत ईजी होंगे ने जो तुम मेरा एक फॉर्मूला समझ लें। फॉर्मूला होंगे 2Ni+1, ठीक है। हम इस फॉर्मूले की टर्म्स का मतलब पता होना जरूरी है, ठीक है। इस फॉर्मूले अंदर टर्म्स का पता होना चाहिए। एन की होंगे ने नंबर ऑफ न्यूक्लियस, नंबर ऑफ न्यूक्लियस बेसिकली, ठीक है। आई की होंगे न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर, न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। आई की होंगे न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। प्लस वन तो पता ही है। हूँ आई की वैल्यू जनरली क्वेश्चन के अंदर गिवन होंगी, ठीक है। आई की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन होंगी है। चलो मैं थोड़ा कुछ वैल्यूज लिखवा भी दिनागा तो कम आ जाएगियाँ, बाकी आई की वैल्यू जिन्नी मैंने थोड़े प्रीवियस क्वेश्चन चेक किए ने दी होंगी है, बट फिर भी मैं थोड़ा कुछ न्यूक्लियस की लिखवा देना वैल्यू। जिस तरह अपने को हाइड्रोजन होंगे उसकी आई वैल्यू होंगी हाफ, जो अपने को ड्यूटोरियम होंगे हाइड्रोजन का आइसोटोप उसकी आई वैल्यू होंगी अपने को 1, ठीक है। जो अपने को 14 नाइट्रोजन 14 होंगे उसकी आई वैल्यू होंगी अपने को 1, ठीक है। उस तो अलावा बोरोन की जी आई वैल्यू होंगी वो होंगी है 3/2, ठीक है। कुछ आई वैल्यूज तुम याद रख सकते हो, क्लीयर है। हूँ इस फॉर्मूले तो किस तरह अपना नंबर ऑफ सिग्नल्स कटांगे, तो नंबर ऑफ सिग्नल्स एंड इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल्स, ठीक है। दो क्वेश्चन आते हैं, एक नंबर ऑफ सिग्नल्स आता है एक इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल्स आता है। ये दो क्वेश्चन आपने करने आने चाहिए। हूँ देखो जिस तरह मेरे कोई क्वेश्चन दिता सपोज CH3 रेडिकल, क्लीयर है। मेरे कोई क्वेश्चन दिता CH3 रेडिकल, चलो अपन नेक्स्ट पेज से डिस्कस करते हैं CH3 रेडिकल, क्लीयर है। हम रेडिकल है क्योंकि तो ESR एक्टिव होएगा, रेडिकल्स की होंगे ने ESR एक्टिव होंगे ने। हूँ देखो कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। तो उरे की है रेडिकल है, कार्बन तो इनएक्टिव होंगे, तो जो सिग्नल आएगा वो कि करके आएगा हाइड्रोजन करके आएगा। तो हूँ जे तिने हाइड्रोजन आइडेंटिकल ने, ठीक है। इन्होंने आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो तिने की ने आइडेंटिकल, तो जो ये वाला फॉर्मूला से नंबर ऑफ आइडेंटिकल न्यूक्लियस लिए, ठीक है। हूँ इस केस आप पुट करिए आई की वैल्यू हाइड्रोजन लिए हाफ होंगी है 2Ni+1, ठीक है। की आएंगे नंबर ऑफ सिग्नल आएंगे, एन की वैल्यू कितनी है 3, एन मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियस किन्ने ने हाइड्रोजन 3 ने गे प्लस इन टू, ठीक है। आई की वैल्यू कितनी होंगी हाफ प्लस 1, ठीक है। तो किन्ने सिग्नल आ जाएंगे 4 सिग्नल्स आ जाएंगे। हूँ इन्हें 4 सिग्नल की इंटेंसिटी की होगी वो आप डिस्क्राइब करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पास्कल ट्राइंगल, ठीक है। वो भी मैं समझा पास्कल ट्राइंगल की होंगी हैगी, बट सूँ पहले नंबर ऑफ सिग्नल्स कटने आने चाहिए ने। हूँ जो थोड़ा देता CD3 रेडिकल, क्लीयर है। जो थोड़ा देता CD3 रेडिकल, तो इस केस नंबर ऑफ सिग्नल्स किस तरह फाइंड आउट करेंगे अपना। हूँ देखो ड्यूटेरियम का आई वैल्यू कितना होंगे 1 होंगे, तो इस तरह स्ट्रक्चर है डी, तो इस केस भी फॉर्मूला लगाओगे 2Ni+1, ठीक है। 2 इंटू न्यूक्लियस किन्ने 3, आई किन्ना इस केस 1+1, ठीक है। तो इस केस किन्ने बन जाएंगे 7 सिग्नल आ जाएंगे, इस केस किन्ने आ जाएंगे 7 सिग्नल आ जाएंगे। तो जे आई की वैल्यू ग्रेटर दैन हाफ हो, जे आई की वैल्यू हाफ हो आप इंटेंसिटी फाइंड आउट कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ पास्कल ट्राइंगल। जे आई ग्रेटर दैन हाफ हो उस आप यूज करते हैं नॉन पास्कल ट्राइंगल, नॉन पास्कल ट्रैंगल, ठीक है। जे आई की वैल्यू हाफ हो पास्कल ट्रैंगल, जे आई ग्रेटर दैन हाफ हो आप यूज करेंगे नॉन पास्कल ट्रैंगल टू फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल्स, ठीक है। हाले थोड़ा क्वेश्चन नहीं भी क्लीयर हो रहा कोई दिक्कत नहीं है। हूँ देखो ये तो अपने को तिने हाइड्रोजन से आइडेंटिकल से, तिने ड्यूटेरियम आइडेंटिकल से। हूँ मैं नैक्सट केस लेना गा CH3 CH2 रेडिकल। हूँ इस केस देखा जाए ए वाले दो हाइड्रोजन तो आइडेंटिकल ने, ठीक है। तो ए वाले दो तीन हाइड्रोजन आइडेंटिकल ने, जिसनों आप ओपन अप करके लिखिए ठीक है। ए वाले तीन हाइड्रोजन आइडेंटिकल ने, ये दो हाइड्रोजन आइडेंटिकल ने, तो इस केस फॉर्मूला बनता है 2Ni+1 इंटू 2Mi+1, क्लीयर है सबनों। हूँ देखो एन की है नंबर ऑफ आइडेंटिकल न्यूक्लियस, एम की है नंबर ऑफ आइडेंटिकल न्यूक्लियस, तो इस वाले दो हाइड्रोजन लिए किन्ने आएंगे सिग्नल 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू
हाफ प्लस वन जेडे अपने को तीन हाइड्रोजन ने इन्हों कि सिग्नल आने टू इंटू थ्री इंटू हाफ प्लस वन तो यह कि हो जाएगी वैल्यू टू ना टू कैंसल हो गया फोर इंटू ठीक है कि हो जाएंगे फोर इंटू सॉरी उपर थ्री बन जाएगा थ्री इंटू फोर ठीक है टोटल किन्ने सिग्नल आएंगे ट्वेल्व सिग्नल आ जाएंगे टोटल किन्ने सिग्नल आएंगे ट्वेल्व सिग्नल आएंगे ठीक है हुण इन्हां दी जिहड़ी आपां देखिए गल सी एच थ्री सी एच टू रेडिकल ठीक है हुण इस केस टोटल सिग्नल तो किन्ने आएंगे ट्वेल्व आ जाएंगे हुण इस केस की हो जाएगी स्प्लिटिंग हो जाएगी बेसिकली ठीक है इन्ना करके की आएगा दो तीन सिग्नल आएंगे तो इन्ना करके की आएंगे चार सिग्नल आ जाएंगे ठीक है इसनों आप बोलेंगे अगे जाके ठीक है ट्रिपलेट ऑफ क्वाड्रेट ठीक है वो की होंगे कॉन्सैप्ट भी आप सीखा हूँ उस तो पहले आप एक चीज सीख देंगे इंटेंसिटी फाइंड आउट करना ठीक है इंटेंसिटी तो क्वेश्चन बनता है इंटेंसिटी आप किस तरह फाइंड आउट करते हैं ठीक है इसको फाइंड आउट करने लिए आप यूज करते हैं पास्कल ट्रायंगल ठीक है इंटेंसिटी फाइंड आउट करने यूज करते हैं पास्कल ट्रायंगल ठीक है पास्कल ट्रायंगल की होंगी है जे आई इज इक्वल टू हाफ हो आई इज इक्वल टू हाफ लिए आप यूज करते हैं पास्कल ट्रायंगल ठीक है पास्कल ट्रायंगल की होंगे है सपोज अपने को एक न्यूक्लियस है तो उसकी जी आई वैल्यू हैगी ठीक है वह की हाफ है तो सिग्नल किन्ने आएंगे टू एन आई प्लस वन दैट इज टू इंटू वन इंटू हाफ प्लस वन मतलब टू सिग्नल आएंगे तो इसकी जी इंटेंसिटी लिखनी आप सब तो पहला वन इज टू वन लिखनी है क्लीयर है सबनों हूँ देखो वन वन साइड से कर लो ठीक है जो तीन सिग्नल आने तो इन्हों दो एड करके लिख लो टू क्लीयर है सबनों ठीक है जो तीन सिग्नल आने जो फोर सिग्नल आने वन वन साइड से कर दो हूँ इन्हों दो ऐड कर दो थ्री फिर इन्हों दोनों ऐड कर दो थ्री ठीक है इस केस की रह जाएगा चार सिग्नल इंटेंसिटी आ जाएगी जो चार सिग्नल आने इंटेंसिटी की होगी वन इज टू थ्री इज टू थ्री इज टू वन हूँ जो अपने को पांच सिग्नल आने तो वन वन साइड से लिख लो ठीक है इन्हों दो ऐड कर दो कि आ जाएगा फोर फिर इन्हों दोनों ऐड कर दो फोर सॉरी सिक्स फिर इन्हों दोनों ऐड कर दो फोर ठीक है इंटेंसिटी जो पांच सिग्नल आते हैं तो की होगी वन इज टू फोर इज टू सिक्स इज टू फोर इज टू वन ठीक है जो नैक्सट लिए देखना हो ठीक है वन वन साइड से लिखो फाइव टेन टेन फाइव इज टू वन ठीक है ये सिग्नल आ जाएगी इस तरह आप इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल्स की कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं हम इसके बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर देंगे ठीक है तो थोड़ा क्लैरिटी होगी किस तरह इसके क्वेश्चन आते हैं चलिए पहला आप उपर वाला क्वेश्चन कर देंगे सी एच थ्री रेडिकली पूछेगा ठीक है सी एच थ्री रेडिकली ये तो शायद मैरिटोरी या मास्टर कैडर की प्रीवियस ईयर ने सारे सी एच थ्री रेडिकल हूँ सी एच थ्री रेडिकल के नंबर ऑफ सिग्नल्स किस तरह फाइंड आउट करेंगे तिने आइडेंटिकल न्यूक्लियस ने नंबर ऑफ सिग्नल का फॉर्मूला टू एन आई प्लस वन दैट इज टू इंटू देखो उरे आई की वैल्यू दिखती नहीं हुई हाइड्रोजन की तो सू याद करनी पैनी सी ठीक है टू इंटू थ्री इंटू हाफ प्लस वन क्लीयर है टू ना टू कट गया तो थ्री प्लस वन फोर सिग्नल्स आ जाएंगे तो फोर सिग्नल वाला कौन ऑप्शन है ठीक है ऑप्शन नंबर ए ते ऑप्शन नंबर डी तक कट गए बट उन्हें इंटेंसिटी पूछी है जे दो सिग्नल वन इज टू वन जे थ्री सिग्नल वन इज टू टू इज टू वन आ जाएगा जे फोर सिग्नल वन इज टू थ्री इज टू थ्री इज टू वन ठीक है इस तरह इंटेंसिटी हैगी जिस तरह अपने पास्कल ट्रायंगल के अंदर डिस्कस किया है हूँ देखो इसका करैक्ट आंसर कि बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक है इस तरह के ईजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बट थोड़ा थोड़ा जहा लॉजिकली इन्हों समझना पड़ेगा टॉपिक्स हूँ नैक्सट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ठीक है ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं सी एच टू ओ एच ठीक है इसके उपर की दिता है रेडिकल दिता है हूँ देखो जिसमें मैं ओपन अप करके लिखा ठीक है उरे की रेडिकल है हूँ इन्हें दो करके किन्ने सिग्नल्स होंगे दसो बई ठीक है टू एन आई प्लस वन ठीक है दैट इज वैल्यू पुट कर लिया टू इंटू हाफ प्लस वन ठीक है किन्ने आएंगे थ्री सिग्नल्स आ जाएंगे तो ऑक्सीजन तो इनएक्टिव है तो इस हाइड्रोजन करके किन्ने आएंगे ठीक है टू सिग्नल्स आ जाएंगे चलो मैं पुट कर देना टू इंटू वन इंटू हाफ प्लस वन ठीक है टू सिग्नल्स आ जाएंगे बेसिकली सिग्नल्स की हो जाएंगे स्प्लिट हो जाएंगे ठीक है सिग्नल्स की हो जाएंगे स्प्लिट हो जाएंगे हूँ देखो इस केस की बनेगा ट्रिपलेट ऑफ डबलेट्स ठीक है इस केस की बनेगा ट्रिपलेट ऑफ डबलेट्स किस तरह बनेगा ठीक है देखो आ वाले हाइड्रोजन करके दो सिग्नल्स बने दोनों की इंटेंसिटी की होगी वन इज टू वन क्लीयर है हूँ ये जो सिग्नल ने फरदर किस स्प्लिट हो जाएंगे थ्री सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे ठीक है ये वाले सिग्नल्स फरदर तीन तीन सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे क्लीयर है
तो टोटल सिग्नल्स कितने होंगे अपने को 3 × 2 = 6, ठीक है। ए वाली की होगी इंटेंसिटी होगी, देखो हूँ तीन सिग्नल्स की कितनी इंटेंसिटी होती है, 1:2:1 और भी 1:2:1, तो अपने को टोटल इंटेंसिटी की बन जाएगी 1:2:1:1:2:1, ठीक है। इस तरह की हो जाएगा अपने को ट्रिपलेट ऑफ डबलेट बन जाएगा, ठीक है। एक ही बन गया ट्रिपलेट, किसका बन गया डबलेट का, ठीक है। इस द करेक्ट आंसर बनना सी ट्रिपलेट ऑफ डबलेट, क्लियर है। उन सब एक क्वेश्चन है थोड़ी, ठीक है। इसके इससे स्प्लिटिंग करवानी है सोने CH3CH2 रेडिकल, ठीक है। मेरे वालों थोड़े लिए होमवर्क हैगा, ठीक है। इसनों तुसी खुद अटैम्प्ट करना है, ठीक है। उस तो बाद एक और नॉन पास्कल ट्रेंगल पढ़ा देना मैं सुनू, वैसे कदम क्वेश्चन आया नहीं गा, बट फिर भी मेरी एक ड्यूटी है कि मैं सारे कॉन्सेप्ट दसदा, ठीक है। हूँ जिस तरह अपने पास्कल ट्रेंगल पढ़िया, पास्कल ट्रेंगल किस लिए पढ़िया, जो आई की वैल्यू की होगी हाफ, ठीक है। आई की वैल्यू हाफ होगी, उस केस आप इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पास्कल ट्रेंगल। जे आई ग्रेटर दैन हाफ है, जे आई ग्रेटर दैन हाफ है तो उस लिए आप यूज करेंगे नॉन पास्कल ट्रेंगल। सपोज मेरे को आई की वैल्यू मान लो कुछ आई की वैल्यू हाफ है, सपोज आई की वैल्यू सपोज 1 हैगी, तो न्यूक्लियस भी 1 हैगा, तो नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने आएंगे, 2Ni+1, मतलब 2 × 1 × 1+1, मतलब 3। तो मतलब स्टार्टिंग इस कितनी होगी, तीन सिग्नल होगी, तीन सिग्नल की इंटेंसिटी की होगी 1:1:1, ठीक है, क्लियर है सबनों। हूँ जे आप n = 2 पुट करेंगे, मतलब नैक्सट सिग्नल ली उरे 2 0 लगाओ, उरे 2 0 लगाओ, ठीक है। दो अगले सिग्नल की करेंगे, दोहे तरफ 2 2 0 लगावेंगे, हूँ तीन तीन पेयर लो, ठीक है। पहले तीन पेयर का सम किया कि बन गया अपने को 1, फिर नैक्सट तीन पेयर का सम किया डेट इज 2, फिर नैक्सट तीन पेयर का सम किया 3, फिर नैक्सट तीन पेयर का सम किया 2, फिर नैक्सट तीन पेयर का सम किया 1, ठीक है। इस तरह फाइंड आउट करेंगे, ठीक है जी। उस तो बाद अगले सिग्नल दी, मतलब ये n = 1 ली है, ये n = 2 ली है, जो तो आई की वैल्यू की सी अपने को 1, ठीक है। हूँ n = 3 ली, दसो भाई, ठीक है। 2 2 0 लगा दे, तीन तीन दे पेयर लो 1:2, ठीक है। फिर ये दो पेयर ले 3:2, फिर ये दो पेयर ले 3 × 5 + 1 = 6, ठीक है। फिर ए वाले पेयर लवेंगे 7:2, ठीक है। फिर ए वाले पेयर लवेंगे 6:3:1, ठीक है। ए वाली आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट ली n = 4 ली, तुम खुद फाइंड आउट करिए, उरे 2 0 लगाइयो, फिर तीन तीन दे पेयर लेके सॉल्व करिए, ठीक है। 1:4:2 जो भी आएगी, 1:4:10:16:19:16:10:4:1, ठीक है, ये आ जाएगी, ठीक है। यह नॉन पास्कल ट्रायंगल का केस होंगेगा, ठीक है। तुहाडे पेपर च कदम ना पूछा गया, बट फिर भी एक बार जी ध्यान रखना है इसका आइडिया लै सकते हो, तो कॉन्सैप्ट भी सीख सकते हो। बाकी पास्कल ट्रायंगल वाला सुन कॉन्सैप्ट जरूर आना चाहिए, ठीक है। NMR के अंदर भी सेम कम आएगा, ठीक है। NMR के अंदर भी जो आप स्पिन स्प्लिटिंग पढ़ेंगे तो उस केस से अपने को एक कॉन्सैप्ट आएगा। हूँ देखते हैं आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे डिस्कस कर लेने ता जो थोड़ी कॉन्सैप्चुअल क्लैरिटी हो जाए। हूँ देखो जिस तरह ए वाला क्वेश्चन है, ठीक है। और एक कॉपर किस ऑक्सीडेशन स्टेट चेगा, कॉपर किस ऑक्सीडेशन स्टेट चेगा, कॉपर +2 के अंदर, ठीक है। नाल कितने सल्फर OH8 कितने इनएक्टिव ने, तो इस केस D9 बन जाता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना बन जाता है 1, ठीक है। D9 हैगा, ठीक है। 21 न्यूक्लियस है अपने को, फॉर्मूला की लगावेंगे 2Ni+1, ठीक है। हूँ इस केस देखो 2 × n कितना हो जाएगा भाई 1, तो आई कितना हो जाएगा क्वेश्चन अंदर देखो गिवन है 3/2 + 1, ठीक है। पुट करो कितना आ जाएगा 4 सिग्नल आ जाएगा आंसर, ठीक है। कितना आंसर आ जाएगा 4 सिग्नल आ जाएगा, क्लियर है। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना सीगा इस केस 1 ही सीगा, ठीक है, 4 सिग्नल। हूँ एक क्वेश्चन होर करवाना थोड़ा, ठीक है, जस्ट एक सेकेंड। हाँ ये वाला क्वेश्चन देखो नीचे, ठीक है। अपने को दिता है MnCl4 2-, क्लियर है सबनों। हूँ इस केस MN की है +2 है, Mn+2 मतलब D5, जो D5 नू ड्रॉ करा तो इस तरह बन जाएगा, ठीक है। D5 नू मैं ड्रॉ करा इस तरह बन जाएगा। हूँ देखो अपने को नंबर ऑफ सिग्नल, जो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो सिग्नल कितने होंगे, 2Ni+1, मतलब 2 × n कितना 1, न्यूक्लियस तो एक ही जगह मैगनीज का, ठीक है। 2 × 1 × 2, ठीक है। आई की वैल्यू 5/2 + 1, ठीक है। 2 ना 2 कट गया मतलब 6 आ गया, ठीक है। जेडे 6 सिग्नल आए ने एक अनपेड इलेक्ट्रॉन के कोरसपोंडिंग, ठीक है। 6 सिग्नल ने एक अनपेड इलेक्ट्रॉन के कोरसपोंडिंग। हूँ टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन किन्ने ने गे 5 ने गे, तो टोटल सिग्नल किन्ने होंगे 5 × 6 = 30 सिग्नल्स, ठीक है। टोटल सिग्नल्स किन्ने होंगे 5 × 6 = 30 सिग्नल्स, मतलब उरे आप लिख सकते हैं इफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स
अनपेड इलेक्ट्रॉन जो ग्रेटर दैन वन हो उस केस नंबर ऑफ सिग्नल्स, नंबर ऑफ सिग्नल्स का की फॉर्मूला बन जाएगा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इंटू नंबर ऑफ सिग्नल्स, नंबर ऑफ सिग्नल फ्रॉम वन अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब आप सिंपल जहा फॉर्मूला लगा के जो अपना होंगे टू एन आई प्लस वन का, ठीक है, नंबर ऑफ सिग्नल कट लेंगे, फिर जिन्हें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ने उसको आप की कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एक गल हो याद रखियो, ठीक है, जो अपने को मल्टी इलेक्ट्रॉन्स हो, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर, मतलब जो अनपेड इलेक्ट्रॉन एक तो ज्यादा हो, इन मल्टी इफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन वन हो, मतलब एक तो ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन हो, उस केस च नंबर ऑफ सिग्नल्स कई बार, नंबर ऑफ सिग्नल्स कई बार वो की लिख देता है नंबर ऑफ हाइपरफाइन लाइनस, हाइपरफाइन लाइनस। ठीक है, वर्डिंग ध्यान रखियो, नंबर ऑफ सिग्नल्स की लिख सकता है नंबर ऑफ हाइपरफाइन लाइनस। ठीक है, मतलब पेपर अंदर तुहाडे तो पूछ लिया जाए कि इस केस च किन्ने नंबर ऑफ हाइपरफाइन लाइनस ने, तो सिंपली तुसीं की करना है नंबर ऑफ सिग्नल फाइंड आउट करने ने, उस नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ना की कर देना है मल्टीप्लाई कर देना, तो अपने को आ जाएगा नंबर ऑफ हाइपरफाइन लाइनस या टोटल नंबर ऑफ सिग्नल आ जाएंगे। ठीक है, इन्ना का कॉन्सेप्ट सी तुहाडा ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का, जिन्हें प्रीवियस ईयर से मैंने ऑलमोस्ट करवा दिते ने। ठीक है, बाकी जो कद प्रीवियस ईयर नहीं करवाए वो सिमिलर कॉन्सेप्ट के बेस हो गए, ठीक है, मैं तुम टेस्ट के अंदर कवर करवावगा, तो जो एक दो टाइप के क्वेश्चन बच गए वो आप टेस्ट के थ्रू कवर कर लेंगे, जो अपना स्पेक्ट्रोस्कोपी का टेस्ट होगा। आई होप तुम ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का हर एक कॉन्सेप्ट क्लीयर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।